तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। तो उससे पहले प्यारे बच्चों, हमें कुछ बातें ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए। जैसा कि प्यारे बच्चों, इसी में हमारा एक टर्म आता है सेक्शन फार्मूला। तो फार्मूले पे जाने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ भैया, हमें सेक्शन फार्मूला का यूज ही क्यों करते हैं। तो जैसा कि प्यारे, हम लोग इसी पहली एक्सरसाइज में क्या बात कर रहे थे कि हमने पढ़ा था कि भैया इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट पढ़ा था कि भैया अगर हमारी कोई लाइन है, मान लीजिए इस तरह की हमारी कोई लाइन है, कोई इसे पर एक पॉइंट लाई करता है, मान लीजिए क्यू, ये मान लीजिए हमारी लाइन है पी और आर लाइन है, हमारा एक क्यू पॉइंट है जो कि लाई कर रहा है इसके बीचों बीच। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग कहते थे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, और हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते थे कैसे, डिस्टेंस फार्मूला के यूज़ करके। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए आप लोग कह दें कि भैया ये दोनों मान लीजिए इक्वल डिस्टेंस पर, तो हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, कोई कह दे, आप लोग ने एक लाइन दे दिया पी और आर ही लाइन दिया है, लेकिन कह दे कि भैया एक काम करते हैं, इसको तीन पार्ट में रहेगा या आपका एक पार्ट, यानी छोटे और बड़े रेशियो में अगर डिवाइड हो जाए तब क्या करेंगे, मान लीजिए क्यू पॉइंट लाई करा, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि भैया जब हम इक्वी डिस्टेंस वाला रहता तो हम लोग क्या यूज़ करते थे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते थे। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर हमारा रेशियो गड़बड़ हो जाए, यहाँ पर हमारा 1:1 है यानी इक्वल में डिवाइड है, अगर प्यारे बच्चों इक्वल में नहीं डिवाइड है तभी हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे बताइए प्यारे बच्चों, सेक्शन फार्मूला का, अगर इक्वल डिवाइड नहीं है, ठीक, मतलब रेशियो हमारा बेसिकली इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका देखिए हमें फार्मूला होता है कि भैया अगर आपकी कोई लाइन है, मान लीजिए हमारी ए लाइन है, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं, ये एक्स वन है, ये वाई वन है, इसको हम पॉइंट मानते हैं, एक्स टू और वाई टू मानते हैं, और यहाँ पर हमारा भैया आपका मिड पॉइंट पर नहीं है, इस बात का हम ध्यान रखें कि मिड पॉइंट पर नहीं है, यह पॉइंट हम एक्स कामा वाई कंसिडर करते हैं। और प्यार बच्चों, यहाँ पर हमने यम वन यानी यम वन रेशियो और यम टू रेशियो में डिवाइड किया है। अभी बच्चों हम लोग न्यूमेरिक के साथ सॉल्व करें तो आप लोग समझ में आएगा, बस आपको समझाना कि भैया सेक्शन फार्मूला आता कहाँ से। तो अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो हम लोग क्या होता है, बस बच्चों हम जस्ट उल्टा करते हैं, जैसे यम वन इंटू हम लोग क्या करेंगे, एक्स टू करेंगे, क्या करेंगे बताइए बच्चों, यम वन इंटू एक्स टू करेंगे। उसी प्रकार प्यार बच्चों, प्लस यम टू इंटू एक्स वन करेंगे, क्या करेंगे, यम टू इंटू एक्स वन करेंगे, और दोनों यानी जिस रेशियो में डिवाइड करें, यानी यम वन और यम टू को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। यह तो हमारा भैया यक्स एक्सिस आ गया। उसी प्रकार प्यार बच्चों, अगर वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या करेंगे बताइए, इसका इसमें भी जस्ट वही करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे यम वन इंटू वाई टू, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हम यम वन से शुरू करेंगे वाई टू तक जाएंगे, यम वन इंटू वाई टू, और क्या आएगा प्यारे बच्चों, यम टू इंटू वाई वन, क्या आएगा, यम टू इंटू वाई वन आएगा, और हम लोग दोनों को जोड़ देंगे रेशियो को, यानी यम वन प्लस यम टू को जोड़ देंगे। तो देखिए आप लोग याद, किसी प्यारे बच्चों याद रखना है, बेसिकली हम जो हमारे रेशियो रहेगा उसको हमें जस्ट कोऑर्डिनेट के अपोजिट से करेंगे, जैसे हमारे यम वन है, इसको हमने एक्स टू से मल्टीप्लाई किया, आया कि नहीं, यम वन को हमने एक्स टू से मल्टीप्लाई किया, हम यम वन को कभी एक्स वन से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, जस्ट अपोजिट करेंगे। उसी प्रकार यम टू जब लिखेंगे क्या करेंगे, यम टू है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वन या वाई टू से, वाई वन से, ठीक है। तो मतलब जस्ट उसी को उल्टा रखना, एक बार अपने से आप समराइज करिए क्या क्या करेंगे हम लोग इसमें, हम लोग फार्मूला को याद किस तरह के बारे में। तो जैसा कि हमारा पहला एक्सरसाइज दिया है कि पहला क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द, दो हमें पॉइंट दे दिया है। तो देखिए इसको हम कैसे समझते हैं कि भैया आपके दो पॉइंट दे दिया, मान लेते हैं एक लाइन है, इस पे दो पॉइंट क्या दिया है, -1.7 दिया है, और क्या दिया, 4.-3 दिया, और हमें कह रहा है कि जो भैया लाइन है वह किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, 2:3 में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक बच्चों। हम कभी भी अगर हमें 2:3 दिया तो हम नहीं रखेंगे कि 3:2 नहीं रखेंगे, हम हमेशा जिस सीक्वेंस में दिया है उसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, इसको हम यम वन कंसिडर करेंगे, इसको हम लोग यम टू कंसिडर करेंगे, ठीक है बच्चों। बस हमें पता करना भैया इसको, तो हम लोग इसको मान लेते हैं हमारा यह कोऑर्डिनेट एक्स कामा वाई है, जिस तरीके से हमने स्टैंडर्ड में माना था कि जो हमारी एक क्यू है बेसिकली उसका क्या वैल्यू एक्स कामा वाई है, बस हम लोग बहुत आसान है। तो हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले को अप्लाई करते हैं, क्या फार्मूला था, यक्स की वैल्यू देखिए, या तो देखिए पहले हम लोग यक्स वन है, यह हमारा यक्स वन है, यह हमारा यक्स टू है, यह हमारा वाई वन है, ठीक है, यह हमारा वाई यक्स टू है, यह हमारा वाई टू है, ठीक है, वाई टू है, यह यक्स टू है, यह हमारा यक्स वन है, यह हमारा यक्स टू है, और यह हमारा यम वन है, यह हमारा यम टू है। देखिए बिना फार्मूले के आप लोग भी कर सकते, जैसे मैं आप लोग बताता हूँ, मान लो आपको कोई यक्स कोऑर्डिनेट का, तो क्या करेंगे आप लोग, एक ब्रैकेट बनाइए, सर नीचे तो हमें क्या करना है, यम वन प्लस यम टू करना है, यानी दोनों रेशियो को जोड़ना, चलिए 2+3 को कर देते हैं, ठीक है, बस ये हमारा काम हो गया। लेकिन ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हम 2 को किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में, क्यों, यम वन इंटू एक्स टू है, क्या है बच्चों, यम वन इंटू एक्स टू है, तो क्या करेंगे बताइए आप लोग, हाँ 2 इंटू 4, तो कर दीजिए 2 इंटू 4 प्लस
अब बताइए एम टू क्या है, एम टू आपका थ्री है, थ्री का किस में करेंगे इंटू माइनस वन। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्या ज़रूरत रखनी है कि हम यक्स से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं कि भैया इसमें एम टू का एक बार हम ये सॉरी हमारा वाई है ठीक वाई वन रहेगा ठीक है बच्चों। देखिए जो हमारे एम टू इसको नहीं कि एक बार हम लोग यक्स वन में मल्टीप्लाई किए फिर उसी वाले फार्मूले में वाई टू का, जब हम यक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो हम यक्स ही का लेकर चलेंगे ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन करेंगे आप लोग समझ में आएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते क्या आ गया, नीचे फाइव आ गया, यहाँ पर नाइन आ गया, यहाँ पर थ्री आ गया, आया बेसिकली बच्चों बताइए हमारा सिक्स बाई फाइव आ गया, एक्स की वैल्यू भैया सिक्स आ गई, वाई की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए आप लोग एक बार अपने से। नीचे वाला तो सब में दोनों में सेम ही रहेगा यानी टू प्लस थ्री जो रेशियो हमें है। और प्यार बच्चों देखिए बहुत ध्यान से देखिए क्या करेंगे वाई टू के लिए क्या करना, टू इंटू माइनस थ्री हम लोग वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई टू इंटू माइनस थ्री प्लस, और प्यार बच्चों यहाँ पे हम थ्री है, थ्री का बच्चों किसे मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू सेवन। क्यों थ्री इंटू सेवन, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया हम उल्टा ही मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने बताया था ना जस्ट अपोजिट ध्यान रखना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ सब लोग सॉल्व करिए, माइनस सिक्स आ गया, यहाँ पे आपका ट्वेंटी वन आ गया, यहाँ पे फाइव आ गया, तो हमारा कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या यहाँ पे कितना आ गया फिफ्टीन अपॉन फाइव यानी थ्री आ गया कि नहीं, हाँ यानी आपकी यक्स कामा वाई हमें ये वैल्यू कितनी आई बताइए आप लोग सिक्स कामा फाइव आ गई। तो प्यारे बच्चों देखिए अब सेकंड के बारे में बात करते हैं, यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों क्योंकि इसमें आप लोग नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखिए इसमें क्या दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फोर कामा माइनस वन एंड टू का माइनस थ्री। तो इसमें भी भैया आपको मान लेते हैं सबसे पहला काम हम लोग लाइन ही बनाएंगे, तो उसमें हमें दो पॉइंट दे दिया, क्या दिया है कि आपको फोर कामा माइनस वन दे दिया है और क्या दिया है टू माइनस टू का माइनस से दिया। तो आपसे पूछ रहा है भैया आपको जो भैया लाइन है इसको आप जो ट्राई सेक्शन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ट्राई सेक्शन मतलब समझते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लोग तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए यह हमारी पेन है, तो हम लोग पेन को तीन पार्ट कट करिए, एक पार्ट यहाँ पर आ गई, एक पार्ट यहाँ पर, तीन पार्ट बन गई कि नहीं, बिल्कुल बन गई। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें तीन पार्ट में डिवाइड करना है, तो कोई कहेगा सर ठीक है यहाँ से कर दीजिए, यहाँ पर आप मान लीजिए पॉइंट पी, यहाँ पर मान लीजिए यह टू रेशियो सॉरी वन रेशियो टू में डिवाइड हो गई कि नहीं, बिल्कुल हो गई। लेकिन प्यार बच्चों कोई ऐसा भी तो उल्टा भी सोच सकता है कि यहाँ पे हमने पी कंसीडर किया और यहाँ पे मान लीजिए क्यू कंसीडर, यहाँ इसको हम वन पार्ट देंगे और इसको दो पार्ट देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा यानी वन रेशियो टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो पहला वन रेशियो टू में डिवाइड होगा और दूसरा जस्ट अपोजिट यानी टू रेशियो वन में डिवाइड होगा। तो यानी आप लोगों को दो पॉइंट निकालना पड़ेगा, यानी P को भी निकालना पड़ेगा, P को हम लोग M और N क्या है यहाँ पर बेसिकली सॉरी M1 और M2 बेसिकली कितना है टू वन कामा टू है ठीक है, और दूसरा हमारा जो Q है वहाँ पर M1 आपका M1 कामा M2 क्या है टू कामा वन है। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग सोच सकते हैं भैया क्यू से भी कोई तो शुरू कर सकता है, क्यू को भैया दो एक पार्ट दे दे ठीक है हम, तो इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे हम लोग को दो एराइज होगा। क्यों एराइज होगा समझ में आया, बेसिकली जब भी हमारा पॉइंट है तो हम लोग मान लीजिए पेनी को भैया इसको हमने दो पार्ट इधर से कंसीडर किया एक पार्ट इधर, या तो आप लोग ये भी कर सकते हैं इसको हम एक पार्ट देंगे और इधर बड़ा छोड़ देंगे, तो वही है ठीक है। एक बार अपने से आप लोग करिएगा तो हो जाएगा। तो बस बहुत आसान है, पहला जब हम करेंगे तो बस हम जब एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हमें क्या है हम लोग यम वन को वन कंसिडर किए, तो बस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वन इंटू माइनस टू। सबसे पहले हम लोग क्या करें प्यारे बच्चों, हाँ वन प्लस टू कर लेते हैं, यम वन और यम टू को जोड़ लेते हैं, और यहाँ बताइए क्या आएगा वन इंटू माइनस टू ठीक है प्लस टू इंटू फोर सॉरी टू इंटू फोर या आपका यक्स आ गया। उसी पर क्या प्यारे बच्चों वाई की वैल्यू क्या बताइए, यहाँ पर वन प्लस टू हो गया ठीक है, और क्या हम लोग करते हैं जस्ट इसका अपोजिट टू का हम लोग करेंगे फोर में, टू का अच्छा एक मिनट सॉरी वाई को हम कंसिडर कर रहे हैं तो उल्टा होगा ना, तो वन इंटू माइनस थ्री वन इंटू माइनस थ्री प्लस क्या होगा बताइए आप लोग टू इंटू माइनस वन। तो देखिए ये हमारा यह हमारे पी ये दोनों हमारे कोऑर्डिनेट क्या है पी के आ जाएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा आप लोग। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जो हम लोग क्यू को बात करेंगे, क्यू के लिए एक्स कामा वाई कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर यम की वैल्यू आपकी टू होगी, यम वन की वैल्यू और यम टू की वैल्यू बेसिकली वन होगी। तो बस बहुत आसान है, चलिए जस्ट अपोजिट हम लोग करते हैं टू और वन कंसिडर करना था, भैया टू का हम मल्टीप्लाई सॉरी पहले हम लोग लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताइए आप लोग, वन प्लस टू तो होगा एम प्लस एन की वैल्यू भैया तीन ही रहेगी, तो टू इंटू माइनस टू टू इंटू माइनस टू प्लस क्या आ गया बताइए आप लोग वन इंटू फोर, वन इंटू फोर आ गया, एक पॉइंट एक्स ई आ गया और एक्स वाई क्या आएगा बताइए आप लोग जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई करें वन इंटू सॉरी टू इंटू माइनस थ्री टू इंटू माइनस थ्री प्लस, और प्यार बच्चों वन इंटू माइनस वन डिवाइड बाई
वन प्लस टू। तो प्यार बच्चों इससे हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। इसमें फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई की तरह तरीके सोच सकते हैं, उससे हम लोग काम करेंगे हो जाएगा। अब प्यार बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस तरीके का क्वेश्चन हमें जनरली पूछा नहीं जाता है, इतना लेंदी क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, यह आप लोगों के लिए बेसिकली होमवर्क है, ठीक है। एक बार आप लोग अपने से ट्राई करिए, कुछ दिक्कत तो पूछ लीजिएगा। अब बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में। तो यह हमें पूछा है फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग द पॉइंट इन वन माइनस, मतलब कि हमें भैया आपके यहाँ पर हमें ये नहीं दिया कि भैया कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब हमें रेशियो ही निकालना है। तो देखिए बच्चों जब भी हमें रेशियो निकालना रहता है तो इसका भी फंडा सेम है। क्या फंडा सेम है? तो हम हमेशा मानते हैं कि लेट पॉइंट डिवाइड, माने जो हमारे जो लेट पॉइंट डिवाइड कितने के रेशियो वन, किसमें हम बात करेंगे बच्चों के रेशियो वन में, ठीक है, कि हम हमेशा कंसीडर करेंगे जो हमारा पॉइंट है के रेशियो वन में ही डिवाइड करेगा, ठीक, हमेशा, ठीक है, ये आप लोग रख लीजिएगा। तो देखिए हमारा पॉइंट क्या दिया बताइए आप लोग, हमारा दो पॉइंट है, एक दिया थ्री माइनस थ्री कामा टेन दिया है और एक दिया सिक्स कामा माइनस एट दिया है। और प्यारे बच्चों इसका जो जिसमें डिवाइड कर रहा है वह कितना है, माइनस वन कामा सिक्स दिया है। तो इसको हम मान लेते हैं के रेशियो वन हमने कंसिडर किया कि नहीं, बिल्कुल किया है। तो अच्छा यक्स की वैल्यू क्या है, यक्स की वैल्यू माइनस वन है। तो यक्स की वैल्यू देखिए, इसको हमने यक्स और वाई मानते थे, तो भैया हमारा माइनस वन इक्वल टू क्या आगे बताइए आप लोग, के इंटू सिक्स प्लस, अब बताइए वन इंटू माइनस थ्री, वन इंटू माइनस थ्री डिवाइड बाई के प्लस वन, दोनों को भैया रेशियो जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसी प्रकार प्यार बच्चों वाई की वैल्यू हमें सिक्स दिया है, तो बस हम लोग नीचे तो हमारा सेम ही रहेगा के प्लस वन। अब बताइए के का हम लोग सिक्स मल्टीप्लाई करिए, हाँ सॉरी हम उल्टा करेंगे, वाई की बात कर रहे हैं ना, तो के इंटू माइनस एट करेंगे प्लस वन इंटू माइनस सॉरी वन इंटू टेन करेंगे। तो जब हम लोग बच्चे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पर क्या आएगा, के की वैल्यू हमारे यहाँ से देखिए निकालते हैं तो के प्लस वन सॉरी माइनस के माइनस वन इक्वल टू सिक्स के माइनस हमारा थ्री आ जाएगा। यानी बेसिकली बच्चों के की वैल्यू कितनी बताइए आप लोग, कि हमारा इधर माइनस सेवन के और यहाँ पे माइनस थ्री है, इधर तो जाएगा आपका प्लस टू हो जाएगा, यानी के की वैल्यू बेसिकली टू बाई सेवन आ रही है। क्या आ रही है, टू बाई सेवन। तो अब हमारा के भैया आ गया टू बाई सेवन। तो प्यारे बच्चों तो अब हमारा पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करेगा, टू बाई सेवन रेशियो में। या तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते, आप लोग एक काम करिए दोनों में दोनों रेशियो में सेवन सेवन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा के की वैल्यू बेसिकली क्या होगी, सेवन टू रेशियो सेवन आ रहा है, तो हम लोग सेवन से दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका क्या होगा, तो सेवन से मल्टीप्लाई करते इसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा सेवन। या तो आप लोग ऐसे सोच सकते जो भी हमारा के की वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, यानी टू बाई सेवन आ गई, तो बस हम लोग सेवन को वन में मल्टीप्लाई कर दें, यानी टू रेशियो सेवन। या ठीक है के की वैल्यू टू रेशियो सेवन आ गई, या तो आप लोग के की वैल्यू इस तरह भी रखेंगे ना, टू बाई सेवन, तब भी यह बात सही है, ठीक है, तभी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन हम लोग इसे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या रखेंगे, टू रेशियो सेवन, इसको भी आप लोग सॉल्व करेंगे वही वैल्यू आएगी, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ के बारे में। इसमें क्या पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट वन कामा माइनस फाइव बी माइनस फोर कामा फाइव डिवाइड द एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन। तो इसमें पूछ रहा कि भैया किस में डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में, रेशियो भी हमें नहीं दिया है और क्या पूछ रहा है, और हमें पॉइंट एक्स एक्सिस दे दिया, तो बहुत आसान है। क्यों आसान, देखिए फिफ्थ वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। तो प्यारे बच्चों बस वही पुराना काम, एक लाइन खींचेंगे, सारी पॉइंट को असाइन करेंगे, क्या पॉइंट है, ए वाला आपका दिया बेसिकली वन कामा माइनस फाइव दिया है, बी वाला क्या दिया है माइनस फोर कामा फाइव दिया है, और हम लोग भैया मान लेते हैं यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट लाई कर रहा है, वह हमें यक्स एक्सिस पर है। तो मैंने बताया ना यक्स एक्सिस मतलब क्या, तो बताइए आप लोग क्या कोऑर्डिनेट मानेंगे, यक्स कामा जीरो मानते हैं कि नहीं, बिल्कुल मानते हैं। कैसे, देखिए हमारे लाइन होती है, अच्छा बताइए कोई आपसे कह दे यक्स इक्वल टू टू की लाइन आप लोग हमेशा इसी तरह घिसते हैं कि नहीं, घिसते हैं कि नहीं, बिल्कुल घिसते हैं। यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों जब हमें यक्स एक्सिस कहेगा तो हम लोग यक्स कामा जीरो मानेंगे, और वाई एक्सिस कहेगा तो क्या करेंगे, जीरो कामा वाई मानेंगे। तो देखिए हम लोग क्या कर दें, यक्स कामा जीरो कंसिडर कर लें। अब बस वही फंडा कि भैया हमें रेशियो पता नहीं, तो मान लेते हैं के रेशियो वन में डिवाइड करेगा। आप लोग लैंग्वेज लिख लीजिएगा, क्या मानेंगे कि लेट पॉइंट डिवाइड के रेशियो वन, ठीक है मैं लिख देता हूँ लेट पॉइंट डिवाइड के रेशियो वन, भैया के रेशियो वन में डिवाइड करता है। तब कोई पूछेगा सर हम लोग यक्स को कंसिडर करके करें वाई को, देखिए प्यारे बच्चों देखिए यक्स तो हमारा अननोन है, तो इससे काम करने गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं वाई कॉर्डिनेट को लेकर चलते हैं। वाई कॉर्डिनेट आपको जीरो दिया है, और क्या दिया है बच्चों, हम लोग क्या करेंगे जस्ट अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, के का फाइव में मल्टीप्लाई, के इंटू फाइव प्लस वन इंटू माइनस फाइव, वन इंटू माइनस फाइव डिवाइड बाई के प्लस वन,
टी ए प्लस वन भैया जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, यानी बेसिकली जीरो इक्वल टू फाइव के माइनस फाइव आ गया कि नहीं। तो यहाँ से के की वैल्यू बेसिकली बच्चों फाइव आ गई, जब सॉरी वन आ जाएगी ना, जब हम लोग फाइव इधर ले जाएंगे तो आप लोग का मतलब कि भैया वन रेशियो वन में डिवाइड कर रहा है। तो यानी यह पॉइंट क्या है, यह पॉइंट इक्विडिस्टेंस पर है। तो अब तक हमने इक्विडिस्टेंस का कितने क्वेश्चन किए, बहुत सारे। तो आप लोग बस यहाँ पर ए है, इसको हमने बी दिया है, इसको हम मान लेते हैं सी, यानी ए सी इक्वल टू हमारा सी बी होगा। इसके थ्रू आप लोग निकाल सकते हैं कि नहीं वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हैं। या तो भैया आप क्रॉस सेक्शन सॉरी हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज़ करके इसको भी निकाल सकते हैं। तो या इसको हमने यक्स निकालेंगे कि नहीं आप लोग, यह आपका होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग बहुत ईमानदारी से आप लोग करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आप लोग छोड़िएगा मत, पहले आप लोग करके ही आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करिए, ठीक है बच्चों, ईमानदारी से करिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग कर लिए होंगे। तो बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन सिक्स के बारे में, क्या इसमें दिया कि इफ पॉइंट वन कामा टू टू फोर कामा वाई यस कामा सिक्स थ्री कामा फाइव आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इन ऑर्डर। अच्छा भैया हमें दे दिया है, तो अब हमें पूछ रहा है कि यक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो बहुत आसान है, देखिए सिक्स वाला हमें क्या करना है, बेसिकली आपको भैया एक पैरेललोग्राम दिया, पैरेललोग्राम क्या होता प्रॉपर्टी बताइए। इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि भैया पैरेललोग्राम की साइड क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आपको पॉइंट्स दिया है वन कामा टू, ठीक है, और दूसरा हमें पॉइंट्स क्या दिया है फोर कामा वाई दिया है, ठीक है, और क्या दिया है एक्स कामा सिक्स दिया है, और हमें थ्री कामा फाइव दिया। हमें हमेशा आर्डर में रखना ऐसे, ठीक है, ऐसे रखेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, हम लोग भैया देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगा के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार आप लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकाली वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, उसके बाद हम सेक्शन फार्मूला स्क्रीन पास कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब तक आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला से वैल्यू निकाल ली होगी, लेकिन अब हम बात करेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला देखिए कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, सेक्शन फार्मूला से लगाने से पहले एक बात आप लोग ध्यान कर लीजिए कि पैरेललोग्राम मतलब हम लोग समझते हैं कि भैया जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं आपस में क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट मतलब कि इक्वल पार्ट में चीज डिवाइड होगी। तो भैया ये बताइए कि ये जो हमारे डायगोनल है ए वाला पार्ट दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल है। जब हमेशा हमारे इक्वल रहते हैं तो हम लोग वन रेशियो वन में डिवाइड होता है कि नहीं होता है कि बताइए आप लोग, बिल्कुल होता है, यानी बेसिकली मिड पॉइंट होता है। क्या होता है बेसिकली बच्चों, मिड पॉइंट होता है। तो बस हमारा काम आसान हो गया कि भैया जो है हमारा मान लीजिए कोई क्वाड्रेंट मानते हैं पी कामा क्यू है, दोनों के लिए सेम होगा कि नहीं, बिल्कुल सेम होगा, क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो बस हम मिड पॉइंट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। मिड पॉइंट वाला फार्मूला हमारा बहुत आसान, क्या आसान है बताइए आप लोग, हाँ, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़कर दो से डिवाइड करते हैं। जैसे जोड़िए आप लोग वन प्लस यक्स डिवाइड बाय टू, या हमारा यक्स कोऑर्डिनेट मान लीजिए आ गया, उसी प्रकार वाई कोऑर्डिनेट क्या है बताइए, टू प्लस सिक्स डिवाइड बाई कितना आएगा बताइए आप लोग, टू प्लस सिक्स बाई टू आएगा, दो से हम लोग वही डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या होगा बताइए आप लोग, जब हम इसके थ्रू करेंगे फोर और उसके, तो क्या होगा फोर प्लस थ्री डिवाइड बाई टू आएगा, ठीक है। उसी प्रकार हमारा वाई प्लस फाइव डिवाइड बाई टू आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा, क्यों, क्योंकि भैया वही मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे हमारा देखिए दो पॉइंट आ गया, तो बस अच्छा ये बताइए ए वाला पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस पर है, ए भी हमारा एक्स एक्सिस पर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो ये दोनों चीज़ हमारी क्या होगी, इक्वल होगी, यानी वन प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू फोर थ्री सेवन डिवाइड बाई टू, यह हमारी इक्वल हो गई। यह दोनों हमारा क्या है, यह दोनों हमारा वाई कोऑर्डिनेट है, तो यह भी इक्वल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो भैया क्या करेंगे, सिक्स टू एट डिवाइड बाई टू इक्वल टू वाई प्लस फाइव डिवाइड बाई टू, यहाँ टू से टू कैंसिल, यानी यहाँ से हमारी यक्स टू से टू कैंसिल, यहाँ से यक्स की वैल्यू बेसिकली सिक्स आ गई कि नहीं, बिल्कुल आ गई, और वाई की वैल्यू यहाँ पर वाई है, ठीक है, वाई की वैल्यू हमारी तीन आ गई, यानी यक्स कामा वाई सॉरी यक्स की वैल्यू आपकी सिक्स है, वाई की वैल्यू आपकी थ्री है। आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था। तो प्यारे बच्चों हमें मेन कंसेप्ट क्या लगा कि भैया हमारा मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट है, कि अगर हमारा जो मान लेते पैरेललोग्राम पर बाइसेक्ट करता है, तो यानी यह पी और क्यू अगर कोऑर्डिनेट कोई हो तो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो बस मिड पॉइंट लगा दिए। मिड पॉइंट में हम जानते हैं बस दोनों को ऐड करके उसको दो से डिवाइड कर देते हैं, क्या करते बताइए मेरे साथ एक बार बोलिए, दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके दो से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन था, इसमें क्या दिया कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज माइनस टू कामा थ्री एंड बी इज द वन कामा फोर। अच्छा भैया ये भी हमारा काम आसान ही है, तो देखिए इसको हम लोग भी करते हैं। तो इसमें देखिए आपका एक सर्कल की बात कर रहा है, किसकी बच्चों बात है, सर्कल सर्कल का दिया भैया डायमीटर, ठीक है। डायमीटर में दो पॉइंट होंगे, ए है और बी है, बी की वैल्यू आपको कितनी दी है, बी की वैल्यू वन कामा फोर दी है, और सेंटर सेंटर की वैल्यू कितनी दी है,
टू कामा माइनस थ्री दिया और ए की वैल्यू भैया नहीं पता तो यक्स कामा वाई मान लेते हैं। तो प्यारे बच्चों अच्छा ये बताइए हमारा जो रेडियस होता है दोनों बराबर होता है कि नहीं? बिल्कुल बराबर होता है तो नहीं है। जब बराबर होता है तो हम लोग जान गए भैया कि यह बेसिकली रेडियस आपका मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वाला फार्मूला लगे क्या होता है बताइए आप लोग। हाँ यक्स इस यक्स एक्सेस हमें दे दिया तो यानी यक्स की वैल्यू बेसिकली टू दे दिया। अच्छा इसको तो हम लोग यक्स और वाई मानते थे लेकिन प्यारे बच्चों अब हमें ये एक वैल्यू नहीं पता मिड पॉइंट फार्मूला लगे कि टू इक्वल टू क्या होगा। यह जो हमारा पॉइंट जब नहीं पता रहता तो क्या करते थे इन दोनों को जोड़ते थे, यक्स प्लस वन को जोड़कर दो से डिवाइड कर देते थे। उसी प्रकार प्यारे बच्चों फोर और यक्स को जोड़ देते थे, किसको जोड़ देते थे फोर और यक्स को जोड़ के सॉरी फोर और वाई 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 जोड़ के दो से डिवाइड कर देते। इसकी वैल्यू माइनस थ्री दिया तो यहाँ से फोर और यक्स की वैल्यू बेसिकली आपकी थ्री आ जाएगी कि नहीं? बिल्कुल आ जाएगी। और वाई की वैल्यू बेसिकली माइनस टेन आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों कुल मिला जो हमने क्या समझा, हम यही समझ रहे हैं कि भैया जब भी हमारा सर्कल है तो सर्कल के भैया दोनों रेडियस आपके सेम होते हैं। रेडियस सेम, कोई भी चीज़ सेम है मतलब भैया इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। जब इक्वल पार्ट में डिवाइड है तो वन रेशियो वन वहाँ पर होगा। अब जब वन रेशियो वन आ गया तो वो तो हमारा मिड पॉइंट वाला लगेगा। मिड पॉइंट फार्मूला आप लोगों को लगाना मैं बता चुका हूँ लेकिन किसी बच्चों को नहीं समझ आ रहा है तो भैया वह जाके पिछली वीडियो देख ले। ठीक है देखिए एक बार मैं आपको लोगों को बता दे रहा हूँ मिड पॉइंट मतलब कुछ नहीं होता। हमारा मान लीजिए कोई दो पॉइंट दिया, चलिए मैं समराइज करता हूँ। ए दिया है, बी दिया, सी दिया है। कोई कहते भैया बी आपका मिड पॉइंट है तो बी का वैल्यू मान लीजिए यक्स और वाई हमें निकालना है और इसका हब एक्स वन वाई वन, इसका वाई सॉरी यक्स टू वाई टू दिया है। क्या करेंगे बहुत सा आसान है, दोनों यक्स को जोड़ दीजिए आपको यक्स वन प्लस यक्स टू कोऑर्डिनेट जोड़ के दो से डिवाइड कर दीजिए या आपकी यक्स की वैल्यू आ गई। उसी प्रकार प्यारे बच्चों वाई की वैल्यू जब हम लोग बात करेंगे क्या करेंगे वाई वन और y2 को जोड़ के दो से डिवाइड कर देंगे। वही काम हम लोग कर रहे हैं। एक बार आप लोग देखिए इसमें एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके देखिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर पूछिए। बस कुछ करना नहीं, दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ कर दो से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ के बारे में। क्वेश्चन नंबर एट्थ भी हमारा बेसिकली सेम ही है। देखिए इसमें क्या दिया है कि इफ़ ए एंड बी हमारा कोऑर्डिनेट दे दिया है तो हमें पी बताना है जो 3:7 में है। तो प्यारे बच्चों या हर वीडियो की तरह यह आप लोगों का क्या है या आप लोगों का होमवर्क है तो आप लोग होमवर्क ईमानदारी से करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। और देखिए इसी तरह का हमारा नाइन्थ वाला भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क ही है। क्यों? कि इसमें भैया कोई आपकी लाइन दी है, ए बी आपकी लाइन दी है। हिंट मैं दे रहा हूँ केवल, ठीक है? नाइन्थ में आपको हिंट दे रहा हूँ क्या ए वैल्यू दिया, ए की वैल्यू माइनस टू कामा टू दी है, बी की वैल्यू टू कामा एट दिए। कर भैया यह कोई पॉइंट है, चार इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो भैया चार इक्वल पार्ट डिवाइड हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट है, एक पार्ट है, एक पार्ट है, चार पार्ट हो गया। तो बस इसमें भी हम लोग किस कौन सा यूज़ करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करेंगे। तो एक बार आप लोग यूज़ करिएगा, ठीक है? करके बताइए कितने बच्चों को आ गया। ठीक है अगर आप लोग पिछली सारी वीडियो समझ में आ रहे तो इसको भी 100% समझ में आ गया। तो यह दोनों आपका क्या है, होमवर्क है और सभी बच्चे होमवर्क ईमानदारी से करेंगे। ठीक है अब प्यारे बच्चों हम बात करते हैं क्वेश्चन टेंथ के बारे में, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर टेंथ है। इसको अभी हम लोग इसके थ्रू समझते हैं, सेक्शन फार्मूला के थ्रू लगाएंगे और उसके बाद हम लोग किससे लगाएंगे बताइए आप लोग। हाँ इसके बाद हम लोग लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल वाले फार्मूला से। तो अभी हम लोग लगाते हैं किससे बताइए आप लोग। हाँ अभी हम लोग सेक्शन फार्मूला से लगाते हैं। तो हमें पूछ रहा भैया एक आपको रॉम्बस दे दिया, इसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं, थ्री कामा जीरो दिया है और क्या दिया बताइए आप लोग, फोर कामा फाइव दिया है, वन का माइनस वन का फोर दिया है और माइनस टू का माइनस वन दिया है। अच्छा प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि एरिया ऑफ डायगोनल क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ रॉम्बस क्या होता है कि वन बाई टू इंटू डायगोनल का मल्टीप्लाई डी वन इंटू डी टू। तो भैया डायगोनल की डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगी, डिस्टेंस फार्मूला से। और उसी प्रकार दो डायगोनल है कि नहीं, मान लेते हैं ए बी सी डी, तो हम लोग एरिया निकालने का वन बाई टू इंटू ए सी इंटू बी डी करेंगे। ए सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला बताइए आप लोग, थ्री माइनस वन का होल स्क्वायर सर माइनस प्लस हो जाएगा प्लस आपका जीरो इंटू फोर का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला से हमारा ए सी की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिएगा और इसी प्रकार बी सी की वैल्यू भी डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल के सॉरी बी डी की वैल्यू हम लोग निकाल के वैल्यू रख देंगे तो यह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों तो जितने बच्चे यहाँ तक आ चुके इसका आंसर निकाल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक देखिए कैलकुलेशन आप ही लोग करने ईमानदारी से कैलकुलेशन करा करिए, आप लोग क्वेश्चन जरूर से जरूर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों आज के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। ठीक है बच्चों तो आज के लिए धन्यवाद।